नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट बीके माला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रीवा जिले में होने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने जिले के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑनलाइन जैम पोर्टल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15वें वित्त की मदद से ई रिक्शा की खरीदी में घोटाले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के नाम पर रीवा जिले के विभिन्न जनपदों में ई रिक्शा की खरीदी की गई। इस कार्यक्रम में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, नागेंद्र सिंह के साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष और अन्य सम्मानीय लोगों के द्वारा चाबी सौंपी गई थी। वहीं 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति रिक्शा की कीमत बताई जा रही है, जो कि सीधे खरीदी महाराष्ट्र और नागपुर से की गई। इसका भुगतान ग्राम पंचायत की एजेंसियों ने किया, जबकि इस खरीदी में गाड़ी आने के 6 माह बाद वापस भी हो गई। वहीं शासकीय अभिलेखों में 12 ग्राम पंचायतों में जैम पोर्टल के तहत ई रिक्शा खरीदी की गई, जो कि एक ग्राम पंचायत के लिए 35 लाख रुपयों का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके घोटाले का आप इतना ही जानकर अनुमान लगाइए कि 5,000 रुपयों का डस्टबिन की खरीदारी 60,000 रुपयों में की गई, जबकि इनकी खरीदारी में ग्राम पंचायतों की कोई भूमिका भी नहीं थी। वहीं 6 माह बाद रिक्शा वापस भी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों को दबाव बनाकर इनका भुगतान कराया जा रहा है, जबकि ऐसे वाहनों की खरीदी के लिए पंचायतों के पास ना तो कोई प्रावधान है और ना ही ऐसे अधिकार। इसके बावजूद जिला पंचायत में किस अधिकार से ये खरीदी की गई, अधिकार दिया तो निश्चित तौर पर इसमें जिला पंचायत के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, तो वहीं जनपद पंचायत के अधिकारियों की भूमिका की जांच भी घेरे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। आइए सुनाते हैं भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए बीके माला ने क्या बताया है। आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसमें रीवा जिले में स्वच्छता के नाम पर ई रिक्शा खरीदी के नाम पर 15वें वित्त से ई रिक्शा खरीदी की गई है, जिसमें रीवा जिला अंतर्गत कई जनपद ऐसे हैं जिसमें पहला जनपद रीवा है, दूसरा जनपद रायपुर करचुलियान है। रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत में रीवा विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष व अन्य अतिथिगणों के द्वारा ई रिक्शा के कार्यक्रम के तहत वहां जो आयोजन हुआ था, सम्मानित विधायकों को भी बुलाया गया था और ई रिक्शा के माध्यम से चाबी सौंपी गई थी। आज ये ई रिक्शा का महाघोटाला, महाव्यापक भ्रष्टाचार ई रिक्शा में किया गया है, जिसमें रीवा जनपद में 15वें वित्त के तहत ई रिक्शा का वितरण हो चुका है और उसका भुगतान हो चुका है। ये ई रिक्शा क्या है, इसमें लगभग 3.5 लाख का एक ई रिक्शा महाराष्ट्र और नागपुर से खरीदी की गई है, जो खरीदारी ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत की एजेंसी उस ई रिक्शा को एक जनपद ने खरीद करके भुगतान कर दिया गया है और दूसरा रायपुर करचुलियान के ई रिक्शा खरीदी में गाड़ी आने के बाद वापस हो गई। जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसका कोटेशन लिया जाता होगा, गाड़ी के लिए टेंडर किए जाते होंगे या गाड़ी खरीदने के लिए एक समिति होती है, गाड़ी कोटेशन मंगाती है, गाड़ी खरीदती है, पर गाड़ी खरीदने के बाद वहीं रायपुर जनपद में वो गाड़ी 6 महीने बाद माननीय विधायकों के द्वारा चाबी देने के बाद वितरित गाड़ी होने के बाद वापस हो जाती है। यह एक गंभीर विषय था। इस संदर्भ में मैंने कई अभिलेख जिला पंचायत से, जनपद पंचायत से प्राप्त किए, जिसमें जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं, उन पत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा खरीदी की गई, जैम पोर्टल के तहत 35 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है एक ग्राम पंचायत के लिए, जिसमें ई रिक्शा सूज साथ में उसमें केमिकल बहुत सारी चीज़ें किट के रूप में 35 लाख के प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, जो क्रमशः ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए हैं। ग्राम पंचायत खरीदारी के नहीं है, ग्राम पंचायत खरीदने भी नहीं गई, ग्राम पंचायत कोटेशन नहीं मंगाई। आखिर ये कौन व्यक्ति है जो महाराष्ट्र की एजेंसी है, ये लगातार 5,000 की डस्टबिन है और 60,000 में डस्टबिन का वितरण लगभग ग्राम पंचायतों में किया गया है, जिसमें ये स्वतः जिला पंचायत ने ये लिख के भेजा है। कार्यालय जनपद पंचायत रीवा का भी पत्र हमारे पास है, इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पोर्टल में ऑनलाइन ई रिक्शा खरीदी की गई है तथा किस मत से राज हमने पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जियो टैग के अनुसार जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा की खरीदी की गई ई रिक्शा के साथ साथ उसमें 60,000 रुपए का डस्टबिन है, जो 5,000 का डस्टबिन आता है 60,000 का डस्टबिन खरीदारी की गई है।
इसी प्रकार ई रिक्शा की खरीदी की गई है। तो ई रिक्शा का भुगतान भी हो गया। ई रिक्शा में जब अधिसूचना लगी थी तब ग्राम रीवा जनपद के अंतर्गत ई रिक्शा के भुगतान कर दिए गए। वहीं रायपुर कचुलियान में ई रिक्शा का वितरण होने के बाद वही ई रिक्शा वापस हो गए हैं। यह गंभीर जांच का विषय है। ग्राम पंचायतों ने लिख के भी दिया है, रायपुर कचुलियान की ग्राम पंचायतों में लिख के दिया है कि हम ये ई रिक्शा वापस करते। एक जनपद भुगतान करता है, एक जनपद वापस करता है। वहीं माननीय सम्मानित विधायक उसको ई रिक्शा की चाबी सौंपते हैं और वहीं पर वही रीवा जनपद में लगातार भुगतान हो रहे हैं। सर्कुलर क्या कहता है कि ई रिक्शा खरीदने का अधिकार है उसको? ये ई रिक्शा का मध्य प्रदेश शासन का ये पंचायत ग्रामीण विभाग विभाग का ये सर्कुलर है, ये नोटिफिकेशन जारी है। ये ई रिक्शा खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है, ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं है। ये गैर अनुमति कार्य, जिसमें गैर अनुमति कार्य में किसी प्रकार का वाहन क्रय नहीं किया जा सकता। पेट्रोल डीजल अन्य सामग्री प्राप्त की जा सकती पर वाहन ग्राम पंचायत नहीं खरीद सकता, इसलिए कि ग्राम पंचायत के पास ऐसे अधिकार नहीं है। ये पंच परमेश्वर योजना के तहत पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का ये आदेश जारी है। फिर जिला पंचायत रीवा ने किस प्रकार के किस अधिकार से उन्होंने वाहन क्रय ग्राम पंचायत को खरीदने का अधिकार दे दिया, यानी सीधे सीधे जिला पंचायत के माध्यम से या जनपद सीओ के माध्यम से ग्राम पंचायतों को दबाव बना के व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है और यह खरीदारी सीधे सीधे महाराष्ट्र से हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को मैं कहना निवेदन करना चाहता हूँ पत्र के माध्यम से कि व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों पर FIR दर्ज किया जाना चाहिए। समूचे रीवा जिले ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में जैम पोर्टल के तहत एक प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को दबाव बना के इस प्रकार के व्यापक भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। शासन का निर्देश आपके सामने है। ग्राम पंचायतों ने कोई भी कोटेशन नहीं लिया, इसलिए कि ग्राम पंचायत कोटेशन लेती तो जो ई रिक्शा खरीदी की गई है जिसको सम्मानित विधायकों ने चाबी दी है तो वो वापस क्यों करते? ये यदि वापस कर रहे हैं तो उन्होंने उसकी राशि नहीं जमा की, कोटेशन नहीं लिया, तो किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां सामग्री पहुंचा रहा है और हमारे पास इसके पूरे तथ्यात्मक रिकॉर्ड हैं। हमारे पास वो रिकॉर्ड है जिसमें जिला पंचायत जनपद पंचायत और उनके बातचीत के अंश है। हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है जिन रिकॉर्डों से प्रमाणित होता है कि यह अधिकार नहीं है, उसके बावजूद ये दे रहे हैं। आप मिलते हैं इसलिए क्या महाराष्ट्र? यही तो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ई रिक्शा के क्रय नहीं किया जाता, क्या ई रिक्शा सेल नहीं किए जाते? तो आखिर कारण क्या है कि दूसरे स्टेट से जहां पर ये अधिकतर सप्लाई महाराष्ट्र से हो रही है तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी और जिला पंचायत के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल है और साथ में जनपद पंचायत के भी अधिकारी शामिल है। इस प्रकरण की यदि उच्च स्तरीय जाँच हो जाएगी मध्य प्रदेश की STF या कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय या कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में निष्पक्षता की यदि बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो रही है, लोकपाल की बात हो रही है, तो मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं और सफलपूर्वक कहता हूं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच हो जाए तो भ्रष्टाचार उजागर होगा और रीवा जिला नहीं समूचे मध्य प्रदेश में ये एजेंसियाँ सप्लाई कर रही हैं और ये ग्राम पंचायतों को दबाव बनाकर भुगतान करा रही हैं। कुछ ग्राम पंचायत ऐसे भी हैं जहां हमने पूर्व में आवेदन लगा दिया था, हमारे पास तथ्यात्मक अधिकार थे, हमने सूचना के अधिकार से भी आवेदन प्राप्त किए हैं, अन्य माध्यमों से हमने अभिलेख प्राप्त किए, उन अभिलेखों से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि नियम विरुद्ध तरीके से सप्लाई हो रही है और बड़े सुनियोजित तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। इसकी जाँच की हम बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास समूचे अभिलेख हैं और ग्राम पंचायतों को निशाना बनाकर व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता प्रमाण है जिसमें उन्होंने एक बाहर की एजेंसी पर पर्यावरण के नाम पर वृक्षारोपण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार किया है और ये हमारे पास रिकॉर्ड है। हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिलेख के साथ आपको वो भी जानकारी देंगे किस प्रकार रीवा जिले को। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।